फिरोजाबाद जनपद न्यायालय में जिला जज हरवीर सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और हिंदी दिवस पर विस्तार से चर्चा की गई। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति एवं प्रशासनिक जज डॉ गौतम चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में हिंदी को मां और अन्य भाषाओं को मौसी की संज्ञा देते हुए कहा कि सभी मौसियों का सम्मान बना रहे लेकिन मां का सिर नहीं झुके। न्यायमूर्ति ने पुराने समय की पंचायती व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में जानकारी दी कि न्यायमूर्ति श्री चौधरी ने लगभग 21,000 निर्णय हिंदी में पारित किए। इस लोक अदालत में 1,35,000 से अधिक वाद निस्तारित कर 24,95,43,000 रूपये से अधिक अर्थदंड वसूला गया। मोटर दुर्घटना के 13 मामलों में 83 लाख से अधिक प्रतिकर दिलाया गया। पारिवारिक 100 से अधिक वाद निस्तारित किए गए जिनमें 15 दंपतियों को एक दूसरे से मालाएं पहनाकर विदा किया गया जिसमें 70 वर्षीय दंपति भी शामिल हैं। सौ से अधिक वादों का निस्तारण किया गया है जिसमें 15 से अधिक जोड़े साथ साथ गए हैं और एक जोड़ा जो कि लगभग 70 वर्ष का था उन्होंने साथ साथ रहने का फैसला किया है और यहाँ आज न्यायालय से माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय यहाँ आए हुए हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करके आज वो एक साथ गए हैं। लोक अदालत की वो तो हट प्रकृति के बाद निस्तारित किए जाते हैं लेकिन परिवार न्यायालय के वादों का विशेष महत्व है क्योंकि परिवार न्यायालय का एक वाद जब निस्तारित होता है तो उसके साथ कम से कम 5-6 और वाद निस्तारित हो जाते हैं। लोक अदालत की विशेषता रही कि हमारे प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय लोक अदालत का उद्घाटन करने के लिए न्यायालय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से पधारे थे और उनके द्वारा लोक अदालत का उद्घाटन किया गया और सभी का मनोबल बढ़ाया गया कि ज्यादा से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण हो सके। और इसके अलावा परिवार न्यायालय में करीब 10 से 12 दंपतियों को आशीर्वाद देकर यहाँ से विदा किया गया है जिनकी मध्य कॉम्प्रोमाइज हो गया है